गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाचन की कार्य के बारे में, अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम जानते हैं डाइजेशन का शाब्दिक अर्थ होता है भोजन के जटिल अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ना और उनका पाचन करके ब्लड में मिक्स करना और अपचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है। आज हम देखते हैं इसमें पांच पद होते हैं, फाइव स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के लिए। सबसे पहला होता है हमारा अंतर्ग्रहण, जिसे कहते हैं इंजेशन, अर्थात भोजन को ग्रहण करना, भोजन को लेना, इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस जो होता है उसे कहते हैं इंजेशन। ठीक है, तो जो भोजन होता है उसमें हम ठोस भी होता है और प्लस कुछ द्रव अवस्था में भी होता है। ठीक, इसके बाद है पाचन। जो भी जटिल अणु हैं, जटिल ठीक एवं अघुलनशील, जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील घुलनशील और विषण योग्य पदार्थों में टूटने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अर्थात जो जटिल पदार्थ था वह सरल अणु में टूट जाएगा जिससे उसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा टॉपिक में होता है भाई अवशोषण, अर्थात एब्जॉर्प्शन। जो भी टूटे हुए सरल अणु हैं, सरल घुलनशील अणुओं का रक्त में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा स्वांगीकरण, अर्थात एसिमिलेशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि रक्त में पहुंचे सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों का ऊतकों में मिल जाना कहलाता है स्वांगीकरण। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक स्वांगीकरण का। नेक्स्ट हमारा आपका आता है स्टेप से पांचवा स्टेप है बहिक्षेपण, अर्थात डाइजेशन। जो भी अपचे भोज्य पदार्थ होते हैं, अपचे भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना ही बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक बच्चों, तीसरा हमारा टॉपिक है पाचन की कार्य की, जिसमें से हमें पढ़ना है पांच पदों के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हर पांचों पद के बारे में अलग से।